टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के द्वारा जादूगर सिकंदर को किया गया सम्मानित। दिनांक 6 जनवरी 2024 को यूनाइटेड टॉकीज में जादूगर सिकंदर को संस्था टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। संस्था के चीफ ने श्री सिकंदर के जादू की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आपके जादू में मनोरंजन के साथ साथ समाज में फैले नशे की लत तथा भ्रूण हत्या जैसे कुरीतियों को भी दूर करने का संदेश देता है। संस्था के मुख्य संपादक जितेंद्र कुमार तथा सह संपादक इश्तियाक अहमद ने क्रमशः जादूगर श्री सिकंदर और मीडिया प्रभारी श्री डीपी शर्मा तथा श्रीमती सिकंदर को सीमा राव, आदित्री एवं श्रीमती अंजुम ने माल्यार्पण तथा अंगवस्त्र पहनाकर मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। श्री सिकंदर ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के आयोजनों से हम कलाकारों को अपनी कला को और निखारने का हौसला मिलता है। सिकंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर में एक बार फिर से। और आपने लगातार शो दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम फीडबैक चाहेंगे कि कैसा जनता का फीडबैक रहा सर गोरखपुर में। देखिए, जनता ने बहुत प्यार दिया हमें और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ शो करके। और पूरा महीना हमारा शो चला यहाँ पे और अच्छा लगा। लोग पसंद कर रहे हैं हमारे शो को। लोग इस टॉकीज में तो आना नहीं चाहते थे जी, लेकिन हमारे शो के लिए वो लोग आए, अपने बच्चों को लेकर आए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं सभी का। उन लोगों ने हमारे शो को पसंद किया और इस जादू विलुप्त हुई कला को लोगों ने पहचान दी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके शो में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, जो नशा से संबंधित और ये कन्या भ्रूण हत्या जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, तो आपने शो के माध्यम से उसको बचाव करने के लिए, दूर करने के लिए एक आपने मैसेज दिया सर, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सर, ये विचार सर कैसे आया? देखिए, सरकार की नीतियों का हम लोग पालन करते हैं। सरकार जैसा चाहती है वैसे विचार, उनके जो स्लोगन होते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग भी आगे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सरकार जो चाहती है हम लोग भी वही करते हैं। और ये सब बचपन से ही हम लोग सामाजिक इंसान रहे हैं, तो मन में हमको भी आता कि जो अच्छी चीज़ें उन्हें करना चाहिए। और शो के माध्यम से हम लोग जो आते हैं, हम चाहते हैं वो लोग देखें, चीज़ों को समझें, वही हमारा मूल उद्देश्य होता है कि लोग जो आए कुछ सीख कर जाएं, कुछ समझ कर जाएं हमारे शो से, यही उद्देश्य होता है। सर, जैसे आप उन्नाव के रहने वाले, कानपुर में अभी सेटल हैं, और तो सर आपके जो बचपन में ही सर मन में थी ऐसी मैजिक करना है, कैसे सर ये मन में ख्याल? ये बचपन से ही हमारे मन में आ गया था कि हमें मैजिक शो करना है, क्योंकि बचपन से हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ी, और अलिफ लैला शक्तिमान वगैरह सब जब देखते थे तो मन में होता था हम भी कुछ ऐसा करें। उन्हीं से प्रेरणा हमें मिलती रही और आज जादूगर सिकंदर के रूप में हम आपके सामने हैं, यही सब। सर, एक थोड़ा सा आपके माध्यम से और जानना चाहेंगे कि अभी जैसे धर्म गुरु लोग हैं, थोड़ा सा जैसे
बागेश्वर धाम में है, मन की बातें पढ़ लेते हैं सर, वो और उसमें आप में सर क्या अंतर था सर? कुछ देखिए, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, और ज्योतिषी आचार्य तो काफी वर्षों से पुरानी भारतीय की सनातन की परंपरा रही है, वैसा वो कुछ कर रहे हैं, और बेसिकली हमको पूरी जानकारी उसमें नहीं है क्योंकि ये आस्था का विषय है उनका, और उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है, हम अपने शो के माध्यम से वही लोगों कर रहे हैं जी, बस यही कहते हैं। सर बहुत अच्छा लगा हमारे गोरखपुर पे आप आए, जो पावन धरती गोरखपुर की, और हम चाहेंगे पूरे जो नगरवासी हैं सर आप एक बार फिर दोबारा आए सर। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, एक साल के अंदर हम अपने शो को दोबारा यहाँ पे लेकर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर, एक बार आपने फिर मौका दिया सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।